आज हम भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे पावन भक्त की कथा कहने जा रहे हैं जिसके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए भगवान शंकर को स्वयं प्रकट होना पड़ा था। उन पावन श्री भक्त जी का नाम है श्री हरिराम व्यास जी। ओरछा के गांव में इनका जन्म हुआ था। बचपन से यह बड़े विद्वान थे। कहते हैं संपूर्ण शास्त्रों को इन्होंने कंठस्थ कर लिया था, इसलिए इनके राज्य में जो भी पंडित आते थे उन्हें यह शास्त्र चिंतन में हरा देते थे। इस प्रकार इनके मन की उत्कंठाएं बढ़ती गई। अब तो वह दिग्विजय के लिए संपूर्ण भारत में भ्रमण करने लगे। एक बार यह यात्रा करते करते काशी की नगरी में पहुंचे। अब काशी में तो बड़े बड़े विद्वान लोग रहते थे। जब काशी के विद्वान पंडितों ने श्री हरिराम व्यास जी के साथ शास्त्रार्थ करना प्रारंभ किया, कहते हैं हरिराम जी के आगे कोई भी टिक नहीं पाता था। हरिराम जी इस प्रकार शास्त्रार्थ करते थे, काशी के विद्वान लोग किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाते थे। अंत में सभी काशी के पंडित भगवान विश्वनाथ की शरण में गए और उनसे प्रार्थना कर कहने लगे, हे नाथ, आप तो काशी के मालिक हो, अब आपको ही काशीपुरी की मर्यादा की रक्षा करनी है। काशी के ब्राह्मणों की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान विश्वनाथ स्वयं साधु का वेश बनाकर श्री व्यास जी के पास आए और उनसे कहने लगे, मैंने आपकी विद्वता के विषय में बहुत कुछ सुना है। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, क्या आप उस जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं? तब श्री हरि व्यास जी कहने लगे, आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं, अवश्य पूछिए। तब साधु का वेश धारण किए भगवान शंकर जी श्री हरिराम व्यास जी से पूछने लगे, मुझे बताओ विद्या का फल क्या होता है? तब हरि व्यास जी ने उत्तर दिया, विद्या का फल होता है विवेक की प्राप्ति। तब शिव जी ने पुनः पूछा, क्या आपने विद्या पढ़कर विवेक प्राप्त कर लिया है? तब भगवान शंकर की यह बात सुनकर श्री हरिराम व्यास जी विचार करने लगे। वह सोचने लगे, यह साधारण सा साधु मुझे क्या समझाना चाहता है? तब भगवान शंकर पुनः पूछने लगे, क्या तुम शास्त्रार्थ करके ब्राह्मणों को हराने में विवेक मानते हो? क्या किसी को अपमानित करना विवेक का फल है? तब साधु वेशधारी भगवान शंकर की बात सुनकर श्री हरिराम व्यास जी उन साधु के चरणों में गिर प्रणाम कर कहने लगा, हे नाथ, मैंने बड़ा अपराध किया है। मुझे तो घमंड हो गया था। मुझे लगता था मैंने इतना कुछ ज्ञान अर्जित किया है, मैं उस ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था, लेकिन हे महापुरुष, आपने मेरे अज्ञान के चक्षु खोल दिए हैं। जब श्री हरिराम व्यास जी इस प्रकार साधु बने भगवान शंकर से बात करने लगे, कहते हैं तभी भगवान शंकर अपने साक्षात रूप में वहां प्रकट हो गए और उन्हें दर्शन देकर भगवान शंकर ने कहा, हरिराम व्यास, तुम अपने आप को जानते नहीं हो। तुम्हारा जन्म तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए हुआ है। तुम तो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी विशाखा जी के अंशा अवतार हो। अब तो तुम्हें वृंदावन जाकर परमात्मा का भजन करना चाहिए। कहते हैं इस प्रकार आज्ञा मिलने पर श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन आकर परमात्मा का भजन करने लगे। जब हरिराम व्यास जी वृंदावन आ गए, कहते हैं वृंदावन में उनके साथ अनेक चमत्कार हुए। एक बार तो जब वह अपने ठाकुर की पूजा कर रहे थे, पूजा करते करते वह अपने हाथों से श्री ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे। श्री ठाकुर जी के सिर पर वह पगड़ी बांध रहे थे, परंतु बार बार वह पगड़ी उनके हाथों से फिसल जाती थी। जब बहुत बार प्रयास करने पर भी वह पगड़ी को ठाकुर जी के मस्तक पर नहीं बांध सके, तब हरिराम व्यास जी को क्रोध आ गया और तब वह उल्हाना देते हुए अपने श्री कृष्ण से कहने लगे, आज तुम्हें बड़े नाटक हैं, मेरे हाथों से पगड़ी नहीं बंधवा रहे हो। कितनी कोशिश कर रहा हूँ तब भी तुम मान नहीं रहे हो। इससे अच्छा है मैं तुम्हारा ध्यान करने जा रहा हूँ। तुम्हें पगड़ी बांधना सही लगे तो बांधना,
अन्यथा छोड़ देना। इस प्रकार अपने श्री कृष्ण को कहकर हरिराम व्यास जी तो अपने घर से बाहर निकल गए। जब वह अपने घर से दूर जाकर परमात्मा का ध्यान करने लगे, तभी किसी भक्त ने आकर उन्हें बताया, हे हरिराम व्यास जी, आज तो आपने अपने लाला को बड़ी सुंदर पगड़ी बंधाई है। उसे देखकर तो ऐसे लगता है कि सारा दिन उसे ही देखते रहें। जब उन्होंने भक्त के मुख से इस प्रकार बात सुनी तो वह अपने घर पर आए। जब उन्होंने अपने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को देखा तो उस मूर्ति को देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, अच्छा तो आप मुझसे भी अच्छी पगड़ी बांध सकते हो, इसलिए आज आपको मेरी पगड़ी पसंद नहीं आ रही थी। अगर ऐसी ही बात थी तो मुझे पहले ही बता देते, मैं अपने आप बैठ जाता, तुम अपने हाथों से अपनी पगड़ी स्वयं बांध लेते। तब भगवान श्री कृष्ण मूर्ति से आवाज देकर कहने लगे, हे भक्तराज, यही तो आपका प्रेम है, इस प्रेम के कारण तो मैं आपके साथ रहता हूँ। इस प्रकार उनके जीवन में अनेक लीलाएं होती रही। एक बार की बात है, भक्त हरिराम व्यास जी शरद पूर्णिमा के दिन परमात्मा का ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते वह ध्यान में इतना मगन हो गए, उन्हें इस प्रकार प्रतीत होने लगा कि रास चल रहा है। रास में श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही हैं, और नृत्य करते करते श्री प्रिया जी ने भावावेश में आकर अपनी गति को बिजली के समान बढ़ा दिया है। श्री राधा जी की शोभा बड़ी आनंददायी थी, लेकिन नृत्य करते करते राधा जी का एक नुपुर टूट गया, उनके कुछ घुंघरू बिखर गए। यह देखकर उस रास मंडल में उपस्थित सभी लोग बेचैन हो गए। सभी सोचने लगे, यह रास मंडल में श्री राधा जी के नुपुर टूट गए हैं, अब वह नृत्य कैसे कर पाएंगी। लेकिन श्री हरिराम व्यास जी तो ध्यान में बैठे थे। कहते हैं ध्यान की अवस्था में ही उन्होंने बड़ी फुर्ती से श्री राधा जी के पैरों में वह टूटा हुआ नुपुर बांध दिया। जब राधा जी को इस बात का एहसास हुआ कि नृत्य करते करते हरिराम व्यास जी ने मेरे नुपुर को बांध दिया है, तब उन्होंने साक्षात प्रकट होकर हरिराम व्यास जी को दर्शन देते हुए कहा, आज से हम तुम्हें अपने रास मंडल में आने का प्रवेश देते हैं। कहते हैं श्री राधा जी की कृपा सदा उनके साथ रही। एक बार बहुत सारे संत इनके स्थान पर उपस्थित हो गए। घर पे कुछ खाने के लिए था नहीं, तब यह विचार करने लगे, किसे कहा जाए, कौन आकर संतों को भोजन कराएगा। तभी अचानक से एक स्त्री वहां प्रकट हुई और आकर कहने लगी, महाराज, मैं आपके स्थान पर आए संतों के लिए भोजन बनाकर लेकर आई हूँ। और वह इतना भोजन लेकर आई थी, आने वाले संतों की जमात सोचने लगी, हम तो भक्तराज की परीक्षा लेने आए थे कि हमारी जमात को यह भोजन खिला सकते हैं या नहीं खिला सकते हैं, पर पता नहीं यह स्त्री कौन प्रकट होकर इनके पास इतना भोजन लेकर आई है। जब सब संतों ने भोजन कर लिया, तब वह महंत आकर भक्त हरिराम व्यास जी से पूछने लगे, यह स्त्री कौन थी। तब हरिराम व्यास जी नेत्र बंद कर कहने लगे, यह संपूर्ण जगत की माता श्री राधा जी थी, जो अपने हाथों से प्रसाद बनाकर हमें यहाँ देने आई थी। हरिराम व्यास जी की बात सुनकर वह महंत चरणों में प्रणाम कर कहने लगा, मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मैंने आपकी परीक्षा लेने का प्रयास किया। तब भक्त हरिराम व्यास जी कहने लगे, आपकी परीक्षा के कारण तो आज मुझे राधा रानी का दर्शन प्राप्त हुआ है। उनके आँखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने भक्तों के प्रेम को देखकर परमात्मा हर स्थान पर उपस्थित हो जाता है। भक्तों के रक्षक ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।